हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, जब भी एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एक साथ आकर एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआती दौर में दोनों ही एक दूसरे की ज्यादा केयर करते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं और इसी जानने की कोशिश में वो इसी रिश्ते को प्यार का नाम देते हैं। लेकिन जब वक्त बीतता चला जाता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से रिश्ते में खटास पड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी को शुरुआती दौर में पसंद करते हैं तो हम उसे केवल उसकी पर्सनैलिटी के तौर पर या फिर चंद आदतों को देखकर ही पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमें अपने पार्टनर की सारी कमियां और अच्छी आदतों के बारे में पता चलता है। हमें कमियों पर गुस्सा आता है और अच्छी आदतों पर प्यार भी आता है। लेकिन कई बार जब समय कुछ ज्यादा ही बीत जाता है तो लड़कियों को ऐसा लगने लगता है कि लड़कों को उनमें अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। और इन्हीं बातों को जानने के लिए या तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कशन करती हैं या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे से अपनी राय लेना चाहती हैं, ताकि वो सही तरीके से इस बारे में जान सके कि क्या उनके बॉयफ्रेंड या फिर लव्ड वन उनमें अब इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर लड़कियां आसानी से पता लगा सकती हैं कि क्या उनके बॉयफ्रेंड उनमें इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं। हो सकता है कि शुरुआती दौर में जब वो आपसे बहुत बातें करते हो और अब जिम्मेदारियों की वजह से वो आपसे कम बातें करते हो, तो आपको ये लगने लगा हो कि वो अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। मान लीजिए कि आपके बॉयफ्रेंड या फिर लव्ड वन शुरू से ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर हैं और वो शुरू से ही आपको प्यार करते हैं, लेकिन अब आकर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से भी, ना ही उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो आपसे काफी कटे कटे से रहते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें आप में इंटरेस्ट ना हो। लेकिन अगर आपके बॉयफ्रेंड किसी कंपनी के केवल एम्प्लॉय थे और अब वो एक मैनेजर बन गए हैं, तो वर्कलोड बढ़ने के कारण उनके पास समय कम हो सकता है। लेकिन इस वजह से आप उन पर ये शक या फिर ये शंका नहीं जता सकती हैं कि वो आप में अब इंटरेस्टेड नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार लड़कियां काफी ज्यादा पॉसेसिव हो जाती हैं। अगर एक घंटे की जगह लड़का केवल 5 या 10 मिनट बात करता है तो लड़कियों को ऐसे लगने लगता है कि अब उसके पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, समय बदलने के साथ साथ ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। शुरुआती दौर में एक दूसरे को जानने के चक्कर में लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करते हैं, ताकि वो एक दूसरे को जान सके। लेकिन हम कई बार उस समय और उन मीटिंग्स को ही प्यार समझ लेते हैं और आगे जाकर जब वो चीजें कम होने लगती हैं, जब वो मिलने का टाइम कम होने लगता है, जब वो फोन पर बातें करने का वक्त कम पड़ने लगता है, तब हमें ऐसा लगता है कि लड़कों को लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। सो दोस्तों, ये सारा मैटर आप अपने लव्ड वन के साथ बैठकर डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि ये मुद्दे काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए आप एकदम से कोई भी फैसला नहीं ले सकती हैं। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ को इजी गोइंग रखिए, हमेशा किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए और हमेशा किसी चीज को फॉर ग्रांटेड भी मत लीजिए। फिर चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपकी जॉब हो, आपके पेरेंट्स हो या फिर कोई और चीज हो। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर आपका आपके लव्ड वन के साथ कोई भी झगड़ा है तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।